Assalamualaikum students, I am hopeful that you are keeping well. Okay, today I am going to start a new type of noun that is called collective noun. Collective noun is the name of a group or collection of the same kind of persons, animals and things. Collective noun ya ijtimai isam is the name of a group or collection of the same kind of persons, animals and things. Ijtimai ism ek hi qisam ke logo, janwaron aur cheezo ke majmui ya group ka naam hai. Matlab collective noun hum us noun ko kehte hain jo ek group ho, jo ek collection ho, ek majmua ho aur usme ek hi qisam ke log ho, ek hi qisam ke janwar ho aur ek hi qisam ki cheeze ho. Un cheezo उन सारे एक जैसे चीज़ों को हम एक नाम देते हैं, एक ग्रुप का नाम देते हैं, एक कलेक्शन का नाम देते हैं और वो जो नाम होता है वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन होता है. ठीक है, जैसे कि हमारे पास है फैमिली. फैमिली में आप देखें तो बहुत सारे अफराद होते हैं, भाई बहन, माँ बाप और भी बहुत सारे अफराद होते हैं, तो उन सब की कलेक्शन को हम कहते हैं फैमिली. इस तरह से जो सोल्जर्स होते हैं आर्मी में, सिपाही जो होते हैं फौज में, तो सारे सिपाहियों को हम एक नाम देते हैं, उसे कहते हैं आर्मी, राइट. और इसके अलावा जो फ्लावर्स होते हैं उनकी कलेक्शन को हम कहते हैं बोके, गुलदस्ता. तो बहुत सारे एक जैसी चीज़ों की कलेक्शन को जो एक नाम हम देते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स है पर्सन, एनिमल एंड थिंग में. तो पर्सन में है फर्स्ट, एन आर्मी इज मेड अप ऑफ मैनी सोल्जर्स. एन आर्मी इज मेड अप ऑफ मैनी सोल्जर्स. जो आर्मी होती है, फौज होती है, तो वो बहुत सारे सिपाहियों के मिलकर बनती है. मतलब आर्मी में काफ़ी सिपाही होते हैं और उनको हम एक नाम देते हैं आर्मी. तो ये आर्मी हमारे पास यहाँ कलेक्टिव नाउन हुआ, क्योंकि सिपाही एक ही जैसे सिपाही होते हैं और इनको हमने एक नाम दिया, इनकी ग्रुप को, इनकी कलेक्शन को हमने एक नाम दिया आर्मी, राइट. नाउ नेक्स्ट वी हैव अ क्राउड इज मेड अप ऑफ मैनी पीपल. बहुत सारे लोगों के मिलाप से हजूम बनता है. मतलब क्राउड होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं. एक बंदे से तो क्राउड नहीं बनता, लेकिन क्राउड में एक ही जैसे लोग होते हैं और उन सब को हम एक नाम देते हैं क्राउड, हजूम. देन एनिमल में है अफ्लॉक. अफ्लॉक इज मेड अप ऑफ मैनी शीप. बहुत सारे भेड़ों के मिलाप से फ्लॉक बनता है. ठीक है, बहुत सारे भेड़ों के मिलाप से झुंड बनता है. इनके ग्रुप को हम झुंड कहते हैं उर्दू में और इंग्लिश में फ्लॉक. नंबर टू, अ स्वार्म इज मेड अप ऑफ मैनी बीज. बहुत सारी मक्खियों के मिलाप से एक स्वार्म बनता है, एक जो है हुजूम बनता है, राइट. तो मक्खियाँ एक ही किस्म की होती है और इन सब को एक नाम दिया जाता है, इन सब के ग्रुप को एक नाम दिया जाता है स्वार्म. नाउ थिंग में अ फ्लीट इज मेड अप ऑफ मैनी शिप्स. अ फ्लीट इज मेड अप ऑफ मैनी शिप. शिप्स कहते हैं जो समंदरी जहाज होते हैं उन्हें कहते हैं. तो बहुत सारे समंदरी जहाज के मिलने से फ्लीट बनता है, कतार बनता है. अ फ्लीट इज मेड अप ऑफ मैनी शिप्स. तो बहुत सारे समंदरी जहाज़ों की कतार को हम कहते हैं, एक मजमूई नाम देते हैं फ्लीट, कतार. देन नंबर टू, अ बंच इज मेड अप ऑफ मैनी कीज. काफ़ी चाबियों के मिलाप से एक बंच बनता है, गुच्छा बनता है. तो बहुत सारी चाबियाँ एक ही जैसी होती है, इन चाबियों की कलेक्शन को हम कहते हैं बंच. ठीक है, गुच्छा. नाउ मोर कलेक्टिव नाउन्स. यहाँ पर हमारे पास मज़ीद जो कलेक्टिव नाउन है, नंबर वन, अ हर्ड ऑफ काउस. गाय का एक रेवड़. ये इसमें हर्ड जो है ना कलेक्टिव नाउन है. काफ़ी जो काउस है, चार है, पांच है, छह है या इससे ज़्यादा है, इनके ग्रुप को हम हर्ड कहते हैं. देन नेक्स्ट, अ बंच ऑफ बनानास. तो इसमें दो, तीन, चार, पांच बहुत सारे केले हैं, इनके ग्रुप को हम बंच कहते हैं.
ठीक है, तो इसमें जो हर्ड है और इसमें जो बंच है, ये दोनों कलेक्टिव नाउन है हमारे पास। नाउ सी, कलेक्टिव नाउन्स, वन वर्ड दैट नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स आर थिंग्स। एक लफ्ज जो लोगों की ग्रुप को, जानवरों की ग्रुप को या चीज़ों की ग्रुप को नाम देता है, तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो लोगों की ग्रुप को, जो लोगों का जो ग्रुप होता है वो जो नाम होता है वो कलेक्टिव नाउन है हमारे पास। एनिमल्स का जो ग्रुप होता है उसका जो नाम होता है वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, और चीज़ों के मिलाप से जो एक ग्रुप बनता है वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। तो वन वर्ड दैट नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स आर थिंग्स। कलेक्टिव नाउन हमारे पास वो लफ्ज है जो लोगों के एक ग्रुप को, जानवरों के एक ग्रुप को या चीज़ों के एक ग्रुप को नाम देता है। यहाँ पर है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ टीम ऑफ डक्स, अ बंच ऑफ कीज। तो इसमें एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स में आर्मी हमारे पास कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये काफ़ी लोगों की ग्रुप को एक नाम दिया गया है। अ टीम ऑफ डक्स, तो यहाँ पर डक्स है, बतख है, इनके ग्रुप को नाम दिया गया है टीम। अ बंच ऑफ कीज, तो यहाँ पर बंच जो है ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है क्योंकि यहाँ पर जो कीज की कलेक्शन है उसको नाम दिया गया है बंच, राइट। तो एक ही किस्म की चीज़ों को जब हम एक नाम देते हैं, उनके ग्रुप को एक नाम देते हैं, वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन होता है। यहाँ पर मज़ीद कुछ कलेक्टिव नाउन है, गैगल ऑफ गीज, अ गैगल ऑफ गीज, हंसों का एक हुजूम। हंस एक परिंदा है, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, तो हंसों का एक एक झुंड। अस्वॉर्म ऑफ बीज, मक्खियों का हुजूम। एन आर्मी ऑफ एंट्स, तो 20 की ग्रुप को भी हम आर्मी कहते हैं, 20 की फौज, एन आर्मी ऑफ एंट्स, 20 की फौज। तो इसमें गैगल, स्वॉर्म, एन आर्मी हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। अ परेड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का गश्त। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक गुच्छा, राइट। तो इसमें परेड और बंच हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, राइट। अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, दरख्तों का जंगल। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज के कलेक्शन को फॉरेस्ट कहते हैं, तो फॉरेस्ट हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, सितारों का कहकशा। तो स्टार्स के कलेक्शन को हम कहते हैं गैलेक्सी। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता। अ जार ऑफ हनी, शहद का मर्तबान। अ पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड का एक पैक। अ कप ऑफ टी, चाय की प्याली। अ सेट ऑफ बुक्स, किताबों का एक सेट। तो इन कलेक्टिव नाउन्स में गैगल, स्वॉर्म, आर्मी, परेड, बंच, फॉरेस्ट, गैलेक्सी, बुके, जार, पैक, कप एंड सेट, ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, राइट। ओके, नाउ लिसन, नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 17। हमारे पास है ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। यहाँ पर आपको वर्ड्स का एक लिस्ट दिया गया है, हर्ड, लिटर, फ्लॉक, ट्रूप एंड बंच। ये सारे वर्ड्स हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स है, तो इन कलेक्टिव नाउन्स को इस्तेमाल करके हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। 1 to 5 ब्लैंक्स है हमारे पास, तो हर एक ब्लैंक में बिल्कुल सही जो कलेक्टिव नाउन है उसको हम यूज़ करेंगे, राइट। नंबर 1 है अ डैश ऑफ कीज, सो अ हर्ड ऑफ कीज, अ लिटर ऑफ कीज, अ फ्लॉक ऑफ कीज, अ ट्रोप ऑफ कीज और अ बंच ऑफ कीज। विच वन इज द करेक्ट, कैन यू प्लीज टेल मी, राइट। हर्ड का मतलब है रेवड़,
लिटर का मतलब है पालकी, फिर है फ्लॉक झुंड, ट्रूप टोली, बंच गुच्छा। तो इसमें से कीज के साथ आएगा बंच, राइट, अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का एक गुच्छा। देन नंबर टू, अ डैश ऑफ पपीज, ये जो डॉग होता है उसके बच्चों को कहते हैं पपीज। तो ये दो दो से ज्यादा है, या दो है या दो से ज्यादा है, पपी सिंगुलर है, पपीज उसका प्लूरल है। तो अ हर्ड ऑफ पपीज, अ लिटर ऑफ पपीज, अ फ्लॉक ऑफ पपीज, और अ ट्रूप ऑफ पपीज। इज इट द राइट वर्ड, ट्रूप, फ्लॉक, लिटर और हर्ड? ओके, द राइट वर्ड इज अ लिटर ऑफ पपीज, अ लिटर ऑफ पपीज, LITER, अ लिटर ऑफ पपीज। ठीक है, पपीज की पालकी, छोटे कुत्तों की पालकी। नंबर थ्री, अ डैश ऑफ शीप, बेर। तो शीप का सिंगुलर और प्लूरल बिल्कुल सेम होता है, यहाँ पर एस हम नहीं लगाते, तो यहाँ पर दो या दो से ज्यादा शीप की बात हो रही है, क्योंकि ग्रुप है तो एक शीप का तो ग्रुप नहीं बनता। तो अ डैश ऑफ शीप यहाँ पर आएगा अ हर्ड ऑफ शीप, HERD, HERD, अ हर्ड ऑफ शीप, बेड़ों का झुंड या रेवड़। नंबर फोर, अ डैश ऑफ बर्ड्स, अ डैश ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, परिंदों का झुंड, परिंदों का एक झुंड, अ मतलब अ झुंड। नंबर फाइव, अ डैश ऑफ मंकीज, सो वी हैव ओनली वन वर्ड, वन कलेक्टिव नाउन, ट्रूप, अ ट्रूप ऑफ मंकीज, बंदरों की टोली। ठीक है, बंदरों की टोली। नाउ बी, टिक द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर ईच पिक्चर्स, हर पिक्चर के साथ दो कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं, तो इनमें से इस पिक्चर के मुताबिक जो सही कलेक्टिव नाउन है उसकी आप सिलेक्शन करें टिक का मार्क लगाकर। तो यहाँ पर है, जिस तरह से हम पपीज के ग्रुप को लिटर कहते हैं, वैसे ही हम किटन्स, जो छोटी छोटी बिल्लियाँ होती हैं, बिल्ली के जो बच्चे होते हैं, उनको भी हम लिटर ही कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है हर्ड एंड लिटर, तो हमने लिटर को सेलेक्ट करना है, अ लिटर ऑफ किटन्स, राइट? देन अ स्ट्रिंग और बंच ऑफ कीज, विच वन इज करेक्ट? अ बंच ऑफ कीज, राइट, अ बंच ऑफ कीज। देन अ कलेक्शन ऑफ बुक्स और अ पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का एक मजमुआ या किताबों का एक ढेर। तो किताबों तो ढेर की किताबें तो ढेर की शक्ल में नहीं पड़ी रहती, इसलिए यहाँ पर है अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। देन फोर नंबर, अ ग्रुप आर टीम ऑफ प्लेयर्स, तो यहाँ खिलाड़ी है तो खिलाड़ी के मजमुए को हम ग्रुप कहते हैं या टीम कहते हैं? हाँ, टीम ही कहते हैं, तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स, राइट, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, जस्ट लाइक दिस लुक। हेयर वी हैव, तो इसमें ए नंबर भी सारे जो ब्लैंक्स है वो फिल किए हैं मैंने, और बी जो है टिक द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर ईच पिक्चर्स, तो इसमें जो करेक्ट है, फर्स्ट में है लिटर, सेकंड में है बंच, थर्ड में है कलेक्शन, एंड फोर में है टीम। तो ऐसे ही आपने अपने बुक्स में करना है, करेक्ट? नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18, वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स, वट इज मैस्कुलिन एंड वट इज फेमिनिन नाउन, राइट? मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स, तो मैस्कुलिन नाउन किसे कहते हैं एंड फेमिनिन नाउन किसे कहते हैं? मैस्कुलिन मेल एंड फेमिनिन फीमेल। तो मैस्कुलिन हम उन नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो मर्दों, जो मुज़क्कर हो, मतलब वो सारे चीज़ें जो मर्दों के लिए इस्तेमाल होती हो, नर के लिए इस्तेमाल होते हो, वो सारे नाम
जो हम मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, नर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उन नाउन्स को हम मैस्कुलिन कहेंगे। और ऐसे नाउन, ऐसे नाम जो हम फेमिनिन के लिए इस्तेमाल करें, औरतों के लिए इस्तेमाल करें, मोनिस के लिए इस्तेमाल करें, जन के लिए इस्तेमाल करें, जनाना के लिए, तो उसे हम फेमिनिन कहेंगे, राइट? सो वर्ड्स फॉर मैन, बॉयज एंड मेल एनिमल्स। तो मैस्कुलिन वो वर्ड्स है जो हम मर्दों के लिए, लड़कों के लिए, और जो नर जानवर होते हैं, मेल जानवर होते हैं, नर, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड फेमिनिन वर्ड्स फॉर वेमेन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स। तो फेमिनिन जो वर्ड्स होते हैं हम हाथीन के लिए, लड़कियों के लिए, और जो मादा जानवर होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, औरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है, एक तरफ मैस्कुलिन में हमारे पास है बॉय, लड़का, फेमिनिन में है गर्ल, लड़की, फिर है किंग, बादशाह, फेमिनिन में है क्वीन, मलका, फिर है ब्रदर, भाई, सिस्टर, बहन, लाइन, शेर, लाइनेस, शेरनी, मैस्कुलिन में फिर है रूस्टर, मुर्गा, फिर है फेमिनिन में हैन, मुर्गी है, देन अंकल, चचा या मामू, अंट, चची या मामानी। तो आप देख सकते हो मैस्कुलिन मुज़क्कर में हमारे पास सारे मैन, बॉयज़ और मेल एनिमल्स है, जबकि फेमिनिन में, मुअन्नस में हमारे पास वेमेन, वेमेन, गर्ल्स और फीमेल एनिमल्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैस्कुलिन वो नाउन है जो हम मेल के लिए यूज़ करते हैं, एंड फेमिनिन वो नाउन है जो हम फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट वी हैव मैच ईच मैस्कुलिन नाउन टू इट्स फेमिनिन नाउन। यहाँ पर आपने हर मैस्कुलिन नाउन को इसके फेमिनिन नाउन के साथ मैच करना है। तो यहाँ पर ये थोड़ा ऊपर नीचे लिखे गए हैं, एक दूसरे के सामने नहीं लिखे गए, आपने इनको मैच करना है इनकी करेक्ट फेमिनिन नाउन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रिंस, शहजादा, मैस्कुलिन में हमारे पास है प्रिंस, शहजादा, फिर है निफ्यू, भांजा या भतीजा, मैन, मर्द, वेटर, खिदमतगार जो होटल में काम करता है, ग्रूम, दुल्हा, बुल, बैल, टाइगर, शेर, और फेमिनिन में हमारे पास है काओ, गाय, टाइग्रेस, शेरनी, प्रिंसेस, शहजादी, नीस, भतीजी या बांजी, वमेन, औरत, वेट्रेस जो फीमेल खिदमतगार होती है, होटल में काम करती है, रेस्टोरेंट में, ब्राइड, दुल्हन। तो इनको आपने इनके फेमिनिन के साथ मैच करना है, इन मैस्कुलिन को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रिंस, तो प्रिंस के साथ कौन सा मैच होगा फेमिनिन में? काओ, नो, टाइग्रेस, नहीं, प्रिंसेस। तो प्रिंस के साथ प्रिंसेस, प्रिंस शहजादा, प्रिंसेस शहजादी। देन नेफ्यू, काओ, नो, टाइग्रेस, नहीं, नीस, यस करेक्ट, नेफ्यू के साथ नीस। मैन, मैन के साथ कौन सा सही आएगा, विच वन इज करेक्ट फॉर मैस्कुलिन नाउन इन फेमिनिन नाउन? काओ, नो, टाइग्रेस, नो, वेमेन, करेक्ट, मैन के साथ वेमेन। वेटर, वेटर के साथ है काओ, नो, इट्स नॉट करेक्ट, टाइग्रेस, नो, इट्स आल्सो नॉट करेक्ट। देन वी हैव वेट्रेस, सो इट्स द करेक्ट वर्ड फॉर मैस्कुलिन, वेटर एंड वेट्रेस। ग्रूम, ग्रूम के साथ काओ, नो, टाइग्रेस, नो, ब्राइड, करेक्ट, ग्रूम दुल्हा, ब्राइड दुल्हन। बुल के साथ आएगा काओ और टाइग्रेस, सो इट्स काओ, एंड देन टाइगर के साथ टाइग्रेस, शेर, शेरनी, राइट? यू हैव टू डू लाइक दिस, बिल्कुल ऐसे ही आपने मैच करना है अपने बुक्स में, राइट, इन अ नीट वे, और इनको मेमोराइज करें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। नाउ नेक्स्ट, On the next page, we have page number 19. On page number 19, we have filling the blanks with the correct masculine noun given below. Okay, so we have some masculine noun, grandfather, husband, father, rooster, son, and lion. Grandfather matlab
नाना या दादा जान, हस्बैंड शोहर, फादर वालिद बाप, रूस्टर मुर्गा, सन बेटा, लाइन शेर। तो ये सारे जो है ना मुजक्कर है। तो ऑलरेडी हमारे पास मुअन्नस है फेमिनिन, तो हर फेमिनिन के साथ इनमें से एक वर्ड सेलेक्ट करना है जो इसके साथ मैच होता है और इस सामने इसके लिखना है, राइट। तो हमारे पास है यहाँ पर मदर, मदर माँ। तो माँ का जो मैस्कुलिन है वो क्या है, मदर का मैस्कुलिन क्या है, ग्रैंडफादर, नो, हस्बैंड, नो, फादर। तो मदर के साथ फादर, माँ, बाप। पिक्चर को आप देखें तो एक तरफ माँ है, दूसरी तरफ उसका वालिद है, बाप। देन ग्रैंड मदर, दादी जान या नानी, तो उसके साथ आएगा कौन सा, ग्रैंडफादर, करेक्ट। देन वाइफ, वाइफ बीवी, तो इसके साथ आएगा हस्बैंड, सन, लाइन, रूस्टर, विच वन इज करेक्ट, हस्बैंड, शोहर, करेक्ट। देन डॉटर, बीटी, तो बेटा के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, सन, एस ओ एन, बेटा, तो यहाँ पर सन। हेन मुर्गी, तो इसका जो मैस्कुलिन है वो है रूस्टर, मुर्गा। लाइनेस, शेर, नी, तो इसके लिए शेर, लाइन। ओके नाउ स्टूडेंट, टेल द स्टूडेंट सम नाउन्स आर यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल, लाइक साइंटिस्ट्स, एक्टर, डॉक्टर, टीचर, डांसर, एट्सेट्रा। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हम दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेल और फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, दोनों के लिए। एक साइंटिस्ट तो मेल साइंटिस्ट भी हो सकता है, फीमेल साइंटिस्ट, एक्टर, एक्ट्रेस तो आ सकता है, डॉक्टर जो है ना, फिर हम डॉक्टर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए, टीचर जो है मेल टीचर के लिए भी, फीमेल टीचर के लिए भी, डांसर। तो ये कुछ नाउन होते हैं जो हम दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे ही ये मैस्कुलिन नाउन लिखने हैं, राइट। ओके नाउ ऑन पेज नंबर 20 वी हैव सी, find 5 masculine nouns and 5 feminine nouns in the word search box and circle them. One is done for you. Okay, यहाँ पर आपको word search box है, अल्फाजों को ढूंढने का एक बॉक्स है, ये दिया गया है। इनमें से पांच है ना, 5 masculine noun, 5 जो है ना masculine noun जो है आपने तलाश करने हैं, and 5 feminine nouns, और 5 जो है ना feminine nouns, 5 मुजक्कर और 5 मुअन्नस जो noun है वो आपने इसमें से तलाश करने हैं, and circle them, और फिर उनको circle करना है। वन इज डन फॉर यू। तो इसमें से जो एक है वो आपके लिए किया गया है, एम्प्रेस। एम्प्रेस का मतलब है मलका, EMPRESS, एम्प्रेस का मतलब है मलका। तो इसमें से आपने फिर एक और वर्ड सर्च करना है, देखिए यहाँ पर है TIGRESS, टाइग्रेस, शेरनी। देन नीचे आप देखें MAID, मैड, जो खादमा होती है, खादमा काम करती है, नौकरानी। फिर एम्प्रेस के ऊपर देखें MOTHER, मदर, माँ, राइट। फिर हमारे पास है किंग, KING, किंग, राइट। फिर देखे MAN, मैन, मर्द। देन वी हैव कॉक, COCK। तो इसमें से जो एक एक है वो आप खुद ढूंढे, राइट, और अपने बुक्स में ऐसे करें। नेक्स्ट वी हैव चेंज द अंडरलाइंड फेमिनिन नाउन्स टू मैस्कुलिन नाउन्स। तो यह जो अंडरलाइन ए में 5 सेंटेंसेस है, इनमें से कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है, इन नाउन्स को अंडरलाइन किया गया है। ये सारे के सारे जो है ना फेमिनिन नाउन्स है, मुअन्नस इसम है। तो दूसरी तरफ बी है, तो इसमें से आपने उन ए में जो जितने भी फेमिनिन नाउन्स है, बी में जब आप इन सेंटेंस को चेंज करोगे तो मैस्कुलिन नाउन की बजाय आपने फेमिनिन नाउन की बजाय आपने मैस्कुलिन नाउन लिखने हैं, ठीक है। एक तरफ ए में है जो अंडरलाइन वर्ड वो है फेमिनिन, आपने बी में उनको चेंज करना है मैस्कुलिन में, और उन सेंटेंस को दोबारा लिखना है। अंडरस्टैंड,
ठीक है, वन इज़ डन फॉर यू, इनमें से एक आपके लिए किया गया है। देखिए ए में है वन, दैट गर्ल इज़ माई नीस, वो लड़की, दैट दैट गर्ल वो लड़की इज़ माई नीस, मेरी भतीजी है या बांझी है, वो लड़की मेरी बांझी या भतीजी है, ठीक है, या मेरे वो लड़की मेरी बांझी है। तो इस गर्ल को ये जो फेमिनिन नाउन है और ये जो नीस है ये भी फेमिनिन नाउन है, इन दोनों को मैस्कुलिन में चेंज करना है, गर्ल को बॉय में और नीस को नेफ्यू में, राइट। तो बी में आप देखें दैट बॉय इज माई नेफ्यू, वो लड़का मेरा भांजा या भतीजा है, राइट। सिंपल आपने यहाँ ये करना है कि वही इसी सेंटेंस को रिपीट करना है, यू हैव टू रिपीट द सेम सेंटेंस बट यू हैव टू राइट मैस्कुलिन नाउन इंस्टेड ऑफ फेमिनिन नाउन्स, ठीक है। तो दूसरा है हमारे पास द वेट्रेस सर्व्ड द क्वीन, खादमा ने मलका को पेश किया, ठीक है, कुछ पेश किया। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि खादिम ने बादशाह को पेश किया। तो क्या जो ऐसे मैस्कुलिन नाउन है हम इस्तेमाल करेंगे, द वेटर सर्व द किंग, राइट, द वेटर सर्व द किंग, वेटर इसकी जगह वेटर और क्वीन की जगह हमने किंग लिख दिया। देन द लायनेस हंटेड द काउ, शेरनी ने गाय का शिकार किया। तो लायनेस की जगह लायन, काउ की जगह बुल, तो द लायन हंटेड द बुल, ठीक है, शेर ने बैल का शिकार किया। देन द वमेन इज अ फेमस एक्ट्रेस, जो औरत है जो खातून है वो मशहूर अदाकारा है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि वो जो मर्द है वो मशहूर अदाकार है, तो वुमेन की जगह मैन और एक्ट्रेस की जगह एक्टर, द मैन इज़ अ फेमस एक्टर, ठीक है, वो जो मर्द है वो एक मशहूर अदाकार है। द ब्राइड इज़ माई अंट, दुल्हन मेरी अंट है, मेरी खाला है या मेरी पप्पू है, ठीक है। सो यहाँ ब्राइड की जगह ग्रूम एंड अंट की जगह अंकल, सो द ग्रूम इज माई अंकल, जो दुल्हा है वो मेरा चचा है या मामू है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने दूसरी तरफ बी में आपने लिखना है फेमिनिन नाउन्स को मैस्कुलिन नाउन में चेंज करके, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर दोनों हुए हैं सी बी और डी बी, तो आपने ऐसे ही अपने बुक्स में करना है, लेकिन सिर्फ करना नहीं है, समझना भी है इसको अच्छे से कि मैस्कुलिन नाउन क्या होते हैं, फेमिनिन नाउन क्या होते हैं। और इसमें से जो चार चार है मैंने किए हैं सी में, बाकी जो एक एक रहता है वो आप खुद ढूंढें इसमें और इनको याद करने की कोशिश करें, इनको समझने की कोशिश करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो हमारे पास लेसन है वो स्टार्ट करेंगे, राइट। ओके अल्लाह हाफिज़।